सब्सक्राइब करो नेशनल बायोग्राफी चैनल को और प्रेस करो इस बेल आइकन को ताकि आप देख सकें वीडियोस सबसे पहले। हमारे देश में इन्हें मुल्तान का सुल्तान और नजफगढ़ के नवाब जैसे नामों से जाना जाता है और क्रिकेट जगत में ये रन मशीन के नाम से जाने जाते हैं। आज हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं वो हैं दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ओपनर वीरेंद्र सहवाग। सहवाग की कहानी कुछ इस तरह है। सहवाग का जन्म 20 अक्टूबर 1978 में दिल्ली शहर में हुआ। सहवाग के पिता का अनाज का व्यापार था। उनका बचपन जॉइंट फैमिली में बीता और परिवार में छोटे होने की वजह से उन्हें सभी लोग वीरू बुलाने लगे। वो जब बस 7 महीनों के थे तब उनके पिता ने उन्हें प्लास्टिक का बैट गिफ्ट किया। उनकी बड़ी बहन का कहना है कि वीरू को वो बैट बहुत पसंद था और वो उस बैट के बिना सोते भी नहीं थे। उन्होंने अपनी स्कूलिंग अरोरा विद्या स्कूल से करी जहाँ वो खूब क्रिकेट खेला करते थे, पर जब इसकी खबर उनके पिता को सहवाग के टीचर ने बताई तब वो बहुत नाराज हुए और उन्होंने वीरू से कहा कि पढ़ाई करो, इन सब में कुछ भी नहीं रखा, ये भविष्य में कुछ काम नहीं आएंगी। पर वीरू ने फिर भी खेलना चालू रखा और उनके कोच अमरनाथ शर्मा ने उन्हें एज अ अटैकिंग बैट्समैन ट्रेन किया। जब वो 12 साल के हुए तब उनका रोज़ रोज क्रिकेट खेलने जाना उनके पिता को बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने सहवाग को साफ साफ मना कर दिया कि अब से तुम क्रिकेट खेलने नहीं जाओगे। पर सहवाग की जिद लगी रही, इसीलिए गुस्से में आकर उन्होंने सहवाग को एक चांटा भी लगाया जिसकी वजह से सहवाग का दांत टूट गया। दांत टूटने के बावजूद वीरू ने जिद नहीं छोड़ी और वीरू की क्रिकेट की जिद उनकी माँ को ज़्यादा अच्छे से समझ आई जिस वजह से उन्होंने वीरू को खेलने की इजाज़त दे दी और उनके पिता को समझाया कि ये एक ना एक दिन क्रिकेट में कुछ कर दिखाएगा। और इसी तरह समय बीतता गया और सहवाग की क्रिकेट में परफॉर्मेंस अच्छी होती गई। फिर सहवाग ने जामिया मिलिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन करी। जवानी के दिनों में वीरू सचिन तेंदुलकर के बहुत बड़े फैन थे और उन्हीं की तरह बनना भी चाहते थे। आखिरकार 1997 में उन्हें दिल्ली क्रिकेट टीम में सेलेक्ट कर लिया गया और वो दिलीप ट्रॉफी में हाईएस्ट रन स्कोरर की लिस्ट में 5वें पायदान पर भी रहे। फिर वीरू को अपना इंटरनेशनल डेब्यू मिला जब उन्होंने अंडर 19 टीम में साउथ अफ्रीका टूर किया। सहवाग का पहला ओडीआई पाकिस्तान के खिलाफ था जिसमें उन्होंने काफ़ी कम रन बनाए और बॉलिंग में भी कुछ खास नहीं कर पाए जिसकी वजह से उन्हें 20 महीनों तक दोबारा ओडीआई खेलने का इंतज़ार करना पड़ा। फिर उन्हें दोबारा मौका दिया गया जिम्बाब्वे के खिलाफ जिसके 4थे ओडीआई में उन्होंने धुआंधार बैटिंग का प्रदर्शन करते हुए ये साबित कर दिया कि वो भी किसी से कम नहीं है। उसी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला। 2004 में उन्होंने आरती अलावत नाम की एक लड़की से शादी भी कर ली। फिर उन्हें श्रीलंका के खिलाफ ओपनिंग स्लॉट में डाला गया जिसमें उन्होंने मात्र 69 बॉलों में सेंचुरी लगा दी। फिर हर मैच के साथ साथ वीरेंद्र सहवाग की परफॉर्मेंस भी अच्छी होती जा रही थी। खासकर उनकी परफॉर्मेंस हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ तो ज़बरदस्त होती ही थी। फिर उन्होंने 2009 में सिर्फ 60 गेंदों में सेंचुरी बनाकर इंडियाज फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड भी बनाया जिसकी वजह से इंडिया अपनी न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज भी जीत गया। फिर 2011 में उन्होंने अपना हाईएस्ट ओडीआई स्कोर वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाया जो कि 219 रन है, वो भी सिर्फ 149 गेंदों में। इस समय पर उनकी और उनके आइडल सचिन तेंदुलकर की बल्लेबाजी जोड़ी से दुनिया भर के बॉलर डरने लगे थे। वीरू ने गौतम गंभीर के साथ भी खूब समय तक बल्लेबाजी जोड़ी बनाई और इन दोनों पार्टनरशिप्स को हमने 2011 वर्ल्ड कप में तो देखा ही था। 2011 में उन्होंने एक स्कूल भी स्टार्ट किया सहवाग इंटरनेशनल स्कूल नाम से जिसका सपना उन्होंने व उनके पिता ने देखा था। अब आखिर में उन्होंने 20 अक्टूबर 2015 को रिटायरमेंट ले लिया फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट। इनके लिए ब्रेटली ने कहा था कि नो मैटर हाउ गुड एंड हाउ एक्सपीरियंस्ड यू आर, वीरू कैन किल योर एटीट्यूड। और हरभजन सिंह इनके लिए कहते हैं कि जब भी मैं इन्हें बॉलिंग कराता था तो लगता था कि अब आउट होंगे, पर देखते ही देखते सेंचुरी बना देते थे। वीरेंद्र सहवाग अपने परिवार के खिलाफ जाकर अपने सपनों की ओर दौड़ रहे थे, पर वो भी आखिर में सफल हुए
और वो देखते ही देखते आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं, और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसी और बायोग्राफीज देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहूँगा।